ESPN 9 News में हूं आपके साथ मेघा और इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है जहां आपसे चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी को लेकर। देश का सबसे पुराना संगठन इस वक्त एक संकट से होकर जूझ रहा है। इस वक्त कांग्रेसी खेमे में एक के बाद एक लगातार परेशानियां दस्तक देती जा रही हैं और इन दस्तक देती हुई परेशानियों के बीच नए अध्यक्ष का चुनाव पार्टी के समक्ष सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। नए अध्यक्ष के तौर पर पार्टी किसे चुने, नए अध्यक्ष के तौर पर यहां किसका नाम जो है सामने लाया जाए, वरिष्ठ नेताओं के अनुभव पर भरोसा किया जाए या युवा नेताओं के जोश पर, इसे लेकर भी पार्टी में असमंजस की स्थिति बरकरार है। और अब इन सबके बीच यहां एक आम आदमी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए अपना नामांकन दाखिल कर देने वाला है। जी हाँ, जहां एक तरफ देश की जनता इस बार कांग्रेस पार्टी के हाथ को थामने से खुद को रोक चुकी है, जहां एक तरफ देश की जनता ने कांग्रेस के तमाम दावों पर विश्वास नहीं दिखाया, वहीं इन सब के बीच में एक आम इंसान राहुल गांधी का उत्तराधिकारी बनना चाहता है। एक आम इंसान राहुल गांधी की जगह अध्यक्ष पद की कमान को संभालना चाहता है। जहां एक तरफ कांग्रेस अलकमान के पास एक सबसे बड़ा संकट ये है कि किस पर भरोसा किया जाए, किसे पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जाए। इन सबके बीच एक इंजीनियर है जो सामने आए हैं, जो कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं, और इन इंजीनियर ने ये दावा किया है, ये इच्छा जताई है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान को संभालना चाहते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, राहुल गांधी का उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं। अगर राहुल इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं है तो अब अध्यक्ष पद की रेस में आम इंसान भी शामिल हो सकते हैं। ये नया अध्यक्ष जो खुद इच्छा जाहिर कर रहा है अध्यक्ष बनने की, इससे जुड़ी तमाम बातें और इस नए अध्यक्ष की अब आगे की रणनीति क्या होने वाली है राजनीति के अखाड़े में, ये तमाम जानकारियां आपको जानने के लिए मिलेंगी हमारी रिपोर्ट में। देखिए जरा। और इस वक्त एक बड़ी खबर कांग्रेसी खेमे से आ रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी अपने नए अध्यक्ष को लेकर असमंजस की स्थिति में फंसी हुई है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर परेशान है, वहीं इन सबके बीच एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं। आखिर अध्यक्ष पद को कौन संभालेगा? कई वरिष्ठ नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, कई वरिष्ठ चेहरे कांग्रेस पार्टी के ऐसे हैं जिन्हें अध्यक्ष पद के लिए प्रबल दावेदार कहा जा रहा है। और अब इन सबके बीच राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद महाराष्ट्र के पुणे से एक 28 वर्षीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आवेदन करने की इच्छा जाहिर की है। ये पार्टी के लिए एक बड़ी बात है कि एक आम इंसान कांग्रेस की बागडोर को संभालना चाहता है। पुणे में एक विनिर्माण फर्म में मैनेजर के रूप में काम करने वाले गजानंद हौसले कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं। इसे लेकर तमाम बड़ी जानकारियां चलिए आपको देते हैं। दरअसल गजानंद हौसले 23 जुलाई को कांग्रेस की शहर इकाई के अध्यक्ष रमेश बागवे को अपना आवेदन पत्र जमा करने की योजना बना रहे हैं। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते और इस्तीफे के फैसले पर अड़े हैं। ऐसे में पार्टी इस बात को लेकर असमंजस में है किसे नया पार्टी प्रमुख नियुक्त किया जाए। मैं इस पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करना चाहता हूं। मंगलवार यानी 23 जुलाई को अध्यक्ष पद के लिए आवेदन करने से पहले मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता की प्रक्रिया पूरी कर लूंगा। अब यहां कांग्रेस पार्टी में एक आम आदमी जुड़ने के लिए तैयार है, जो पार्टी की अध्यक्षता को लेना चाहता है, जो पार्टी की कमान को संभालने के लिए खुद को तैयार मानता है। और इन सब के बीच में आपको राहुल गांधी के इस्तीफे की कहानी अगर सुनाएं तो आप सब जानते ही हैं। 25 जून को राहुल गांधी मीडिया के सामने आते हैं, मीडिया से कहते हैं, मैं अब कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हूं, पार्टी को अपना नया अध्यक्ष चुन लेना चाहिए। राहुल ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा था कि कांग्रेस के नेताओं को हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुझे इसी बात का दुख है कि मेरे इस्तीफे के बाद किसी मुख्यमंत्री, महासचिव या प्रदेश अध्यक्षों ने हार की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा नहीं दिया। यहाँ तक बात रही पुणे के इंजीनियर की, जो एक आम इंसान के तौर पर पार्टी से जुड़ रहे हैं और अध्यक्ष बनने की इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी एक खास बात आपको बताते चलें।
दरअसल ये आम इंसान जो है इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में आ गया है, क्योंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान को संभालने की इच्छा जाहिर कर चुका है। अगर इस नए अध्यक्ष को छोड़ दिया जाए तो आपको बता दें कि इस वक्त कई और नाम ऐसे हैं जो अध्यक्ष पद के लिए प्रबल दावेदार के रूप में निकलकर सामने आ रहे हैं। सचिन पायलट, एके एंटनी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अहमद पटेल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद, ऐसे कई चेहरे हैं जो अध्यक्ष पद के रूप में पार्टी की कमान को संभाल सकते हैं। हालांकि इन सब पर चर्चे CWC की बैठक में होंगे, जिसके जल्द होने की खबर आ रही है। बहुत जल्द CWC की बैठक हो सकती है। इस बैठक में नए अध्यक्ष के नाम पर मोहर लगेगी। अगर नया अध्यक्ष यकीनन निकल कर आता है सीधे सीधे यहाँ पर आम आदमी, तो कांग्रेस पार्टी को लेकर जनता के बीच जो छवि है वो काफी ज्यादा बदल सकती है।